तब चंद दलालों ने मिलकर रुक आजादी का मोड़ दिया, जो थे सुभाष के सपने सारे सपनों को ही तोड़ दिया। एक लिखित समझौता कर अंतिम क्षण बर्बादी ले ली, मिलने वाली थी पूरी पर आधी आजादी ले ली। वाह 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 वा। मुझे अपनी लेखनी को उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ता है जो कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रकवि मैथिली सेन गुप्त जी ने हमें सौंपी। केवल मनोरंजन में कवि का धर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। और वही देश के बड़े कवि राजेंद्र राजा जी, जो इस मंच पर भी कई बार आ चुके, उनने भी कहा कि बिना खून का तिलक किए किसने आजादी पाई है, बिना खून का तिलक किए किसने आजादी पाई है, नागों को मारे पर किसने मरी खाई है, हमने प्रातः के सूरज को लहूलुहान होते देखा है। अंधेरों से लड़कर ही तो भोर यहां पर आई है, अंधेरों से लड़कर ही तो भोर यहां पर आई है। तब उस वीर सुभाष के नाम, स्वतंत्रता संग्राम के उस नायक के नाम अपनी कविता निर्मित करना पड़ता है, जिसके ये हम हुंकार कवि सम्मेलन करते हैं, जिनको आजादी के बाद वो स्थान नहीं मिला जिसके वो सही मायने में हकदार होते हैं। भाई देवेंद्र चतुर्वेदी ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी, बहुत अच्छा कहा उनके बारे में, लेकिन फिर भी उस महानायक के विषय में तो जितना कहा जाए वो कम है। तब कहना पड़ता है कि जिनके कारण हमें गुलामी की पीड़ा से मुक्ति मिली, जिनके कारण हमें गुलामी की पीड़ा से मुक्ति मिली, जिनके कारण हमको पावन लोकतंत्र की शक्ति मिली, जिनके कारण आजादी ने खुलकर के अंगड़ाई ली, जिनके कारण घोर अंधेरे में किरण दिखाई दी, जिनके कारण भारत माता खुलकर के हर्षाई थी, जिनके कारण आजादी की धुन बहकर आई थी, जिनके कारण अंग्रेजों की चूल्हे चढ़ गई थी सब, जिनके कारण गोरों की भी सांसें अटक गई थी सब, जिनके कारण ब्रिटिश तिरंगे थर 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 आए थे, उसी वीर को कुछ देशी गद्दार बेच कर आए थे, उसी वीर को कुछ देशी गद्दार बेच कर आए थे। जी हाँ, यह जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ 1947 में, जो स्वघोषित राष्ट्रवादी लोगों ने सत्ता का हस्तांतरण करके उसको आजादी का चोला पहना दिया, तब कहना पड़ा कि जिनके कारण हमें गुलामी की पीड़ा से मुक्ति मिली, जिनके कारण हमको पावन लोकतंत्र की शक्ति मिली, जिनके कारण आजादी ने खुल करके अंगड़ाई ली, जिनके कारण घोर अंधेरे में किरण दिखाई दी, जिनके कारण भारत माता खुल करके हंसाई थी, जिनके कारण आजादी की तुरंत जाकर आई थी, जिनके कारण अंग्रेजों की चूल्हे चल गई थी सब, जिनके कारण गोरों के भी सांसें अटक गई थी सब, जिनके कारण ब्रिटिश तिरंगे तर 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 आए थे, उसी वीर को कुछ देशी गद्दार बेच कर आए थे, उसी वीर को कुछ देशी गद्दार बेच कर आए थे। समय बड़ा विपरीत, शक्तियां टुकड़ों में थी बटी हुई, कुछ गुणों से भरी हुई, कुछ एहसानों में पटी हुई, कुछ छत मेजदारी भी करते फिर रहे तलाली थे, कुछ थे जो दृढ़ संकल्प लिए अद्भुत ही बलशाली थे, ऐसे ही वीर सुभाष हुए जिनको नेताजी कहते थे, भारत माता की पीड़ा को जो अंतस में सहते थे, अंग्रेजी साम्राज्य मिटाने का प्रण जिसने कर डाला था, काठबंद से गोरों की चलपाल अलग मिटवाला था, काठबंद से गोरों की चलपाल अलग मिटवाला था। वो भाप गया था शक्तिपुंज, वो भाप गया था तेजपुंज, गोरे तो क्रूर लुटेरे हैं, जो जंगल में चिड़िया सोने की कई तो सच्चे घेरे हैं, ये ना समझेंगे मैत्रभाव, मुगलों से अत्याचारी हैं, ये निकृष्ट दुष्ट आता ताई और हम बने पुजारी हैं, हम बने विभीषण बैठे हैं, ये रावण से संहारी है, हम बड़ी युधिष्ठिर बैठी है, ये दुर्योधन पे भारी है, लिए कटोरा बड़े भिखारी मन निर्मूल लिए सा बैठी है, खून चढ़ाने की बेला में फूल लिए हम बैठे, आजादी दे दो। अरे ऐसे आजादी मिलती है क्या? जब तक रक्त का अभिषेक नहीं होता है तब तक कोई देश आजाद नहीं होता है। तब कहना पड़ा, लिए कटोरा बड़े भिखारी मन निर्मूल लिए सा बैठे हैं,
फूल चढ़ाने के बेला में फूल लिए हम बैठे हैं, तब मन में अटूट विश्वास लिए, बस आजादी की आस लिए, चल पाओ धर्म और तेज पुंज आंखों में दिव्य प्रकाश लिए, तुम मुझे खून दो। मैं आजादी नारे का आह्वान किया, आजाद हिंद से फौज बनाने शूरवीर प्रस्थान किया, बच्चे बूढ़े नौजवान हो गए साथ मतवाले के, चल पड़ा कारवा पीछे ही उस भाग बदलने वाले के, माँ बहनों ने कंगन चूड़ी, माँ बहनों ने कंगन चूड़ी, मंगल सूत्र उतार दिए, आजाद हिंद के लिए सभी ने अपने गहने वार दिए, इधर खड़ी आजाद हिंद, इधर खड़ी आजाद हिंद, आजाद देश की मांगों में बेहद कर्मी और सच्ची पंक्ति कहने वाला हूँ, इधर खड़ी आजाद हिंद, आजाद देश की मांगों में विश्व में बटा हुआ था उधर विश्व दो भागों में, तब 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 अंग्रेजों के हितवा गांधी ने, अंग्रेजों के हितवा गांधी ने सौगंध वहां पर खाई थी, गोरों का साथ निभाने वाली युक्ति एक सिखलाई थी, तब अंग्रेजों के हितवा गांधी ने सौगंध वहां पर खाई थी, गोरों का साथ निभाने वाली युक्ति एक सिखलाई थी। हो सकता है देश में कुछ ऐसा भी बुद्धिजीवी वर्ग हो जो इस पंक्ति पर आपत्ति करे, लेकिन उनसे कहना चाहता हूं कि 7 अगस्त 1942 का कांग्रेस के अधिवेशन के समक्ष दिया गया उस महात्मा गांधी का भाषण सुन लीजिएगा, उसके बाद पंक्ति पर आपत्ति लगाइएगा। तब अंग्रेजों के हितवा गांधी ने सौगंध वहां पर खाई थी, गोरों का साथ निभाने वाली युक्ति एक सिखलाई थी, लेकिन सुभाष के शब्द लगे गांधी विचार पर भारी थे, दुश्मन का दुश्मन दोस्त सदा, बोले चरक पुजारी थे, खुद खुद आगे पर, खुद आगे पर आजाद हिंद सेना को जापानी जर्मन ने मिला लिया, नेता सुभाष के वीरों ने मिलकर दुनिया को हिला दिया। वाह 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 वाह, नेता सुभाष के वीरों ने, भारत माता की, नेता सुभाष के वीरों ने मिलकर दुनिया को हिला दिया। वही फौज आजाद हिंद थी, खड़ी शौर्य दिखलाने को, हंकार रहे थे सब युद्ध मिट्टी का कर चुकाने को, वही फौज जिंदाबाद, बहुत बहुत बहुत, वही फौज आजाद हिंद थी, खड़ी शौर्य दिखलाने को, हंकार रहे थे सब युद्ध मिट्टी का कर चुकाने को, पर चले वीर नेताजी को पूरी आजादी लाने को, चढ़ाई आजाद हिंद पे साम्राज्य उठाने को, तब चंद दलालों ने मिलकर रुख आजादी का मोड़ दिया, जो थे सुभाष के सपने, सारे सपनों को ही तोड़ दिया, एक लिखित समझौता कर अंतिम क्षण पर बाती ले ली, मिलने वाली थी पूरी पर आधी आजादी ले ली। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, सच्चा इतिहास, मिलने वाली थी पूरी पर आधी आजादी। वही फौज आजाद हिंद थी, खड़ी शौर्य दिखलाने को, हुंकार रहे थे सब युद्ध मिट्टी का कर चुकाने को, पर चले वीर नेताजी की पूरी आजादी लाने को, बड़ा आजाद हिंद मिट्टी साम्राज्य मिटाने को, चंद दलालों ने मिलकर रुख आजादी का मोड़ दिया, तो थे सुभाष के सपने, सारे सपनों को ही तोड़ दिया, एक लिखित समझौता कर अंतिम क्षण पर बाजी ले ली, मिलने वाली थी पूरी पर आधी आजादी ले ली, उस पर भी गिद्धों ने मिलकर पंख गरल के छाप दिए, भारत के दो टुकड़े करके हिंद पाक में बांट दिए, देंगे सुभाष जिंदा मुर्दा कहकर प्राण निकाल दिए, देश बांट कर भी भुजंग छाती में अपनी पाल लिए। वाह, देंगे सुभाष जिंदा मुर्दा कहकर प्राण निकाल दिए, देश बांट कर भी भुजंग छाती में अपनी पाल दिए, सच्चाई के हर पहलू का जी भर खंडन किया गया। कविता की अंतिम पंक्तियां निवेदित करता हूँ, आपका आशीर्वाद मिले कि सच्चाई के हर पहलू का जी भर खंडन किया गया, सत्ता के लोलुप लोगों का महिमा मंडन किया गया, भुला दिए आजाद भगत बटुकेश्वर भी, भुला दिए काले पानी के नायक सावरकर भी, भुला दिए आजादी के बाद देश की जनता को फिर चला गया, कह दिया वीर सुभाष वहां एक दुर्घटना में चला गया, जल प्रपंच हुआ तब बहुत बड़ा, भारत की जनता सारी से कह दिया जल गया तेज पुंज की नन्ही सी चिंगारी से। वाह 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 वाह, जल प्रपंच हुआ तब बहुत बड़ा, भारत की जनता सारी से कह दिया जल गया एक तेज पुंज उस नन्ही सी चिंगारी से, अरे हुआ हादसा जिस विमान में उसकी तलाश दिखा देते, अगर चला गया था शूरवीर तो उसकी लाश दिखा देते, जिंदाबाद, चला गया था शूरवीर तो उसकी लाश दिखा देते। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अपना का पाठ यही समाप्त करता हूँ, शानदार।
शानदार, जिंदाबाद, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।